ताजु शरिया असा भी लिए हुए है, ताजु शरिया जुब्बा भी पहने हुए है, ताजु शरिया अमामा भी लगाए हुए है। आप शान शौकत के साथ निकलते हैं, कई लोग आपके साथ चलते हैं, आप बिना खौफ खतर और इधर उधर पे भाग होकर के आप कोर्ट और कचहरी के अंदर जाते हैं, और जैसे ही कोर्ट के अंदर जाते हैं हुजूर ताजु शरिया के चलने को देख करके जज खड़ा हो जाता है, कहता है इस सूरत को देख करके अल्लाह वाले याद आ जाते हैं, लेकिन इस सूरत कितनी अच्छी है, तो इनका किरदार कितना अच्छा हो, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। आप देखते होंगे आपके गांव में भी आप ही के खानदान से हुजूर जमाले मिल्लत मक्का जिल्लहुल आली अक्सर आया करते थे और इंशाअल्लाह फिर आएंगे। अगर हमारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में ख्वाजा आजम की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में हजरत हसन की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में हजरत हुसैन की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में हजरत अब्बास की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में हजरत औले मोहम्मद की मोहब्बत है, अगर हमारे दिलों में हजरत ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत है, तो याद रखो हम उठाए जाएंगे। नबी नफसी नफसी का आलम होगा, पुल सरात पर गुजरने के लिए कहा जाएगा, पुल सरात पर जब गुजारा जाएगा वो पुल सरात जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है कहा जाएगा। ऐ लोग इसी से गुजर जाओ, लोग गुजर रहे होंगे मगर गुजर ना पाएंगे, मगर वो जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत है, वो जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत है, वो जिनके दिलों में उस्मान खली की मोहब्बत है, वो जिनके दिलों में अली के मुर्तजा की मोहब्बत है, वो जिनके दिलों में हसन हुसैन की मोहब्बत है, वो जिनके दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है, जब उनसे कहा जाएगा आओ पुल सरात पार करो, तो वो कहेंगे अरे हमारे इमाम इमाम हुसैन है, हमारे इमाम इमाम हसन है, हमारे इमाम गौसे पाक है, सारे लोग इन इमामों के पीछे पीछे चलेंगे, इमाम आगे जाएंगे, गुलाम पीछे पीछे जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब गुश्त करते गुजरिए कि है रब सलीम सदाए शरीफ का प्रोग्राम किए हो उसका सिला ये मिलेगा आपको कि जब आप का इंतकाल होगा तो आपका खात्मा ईमान पर होगा, आपकी सांस जब निकलेगी तो आप मोमिन बन करके जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। अकीदा बेहतर हो, ईमान बेहतर हो, सांस निकले तो इनके गुलामों में हम जाए होकर के अल्लाह दुनिया को भी संवारेगा आखिरत को भी संवारेगा। क्यों? इसलिए कि जो सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला उनका गुलाम होता है उसका बेड़ा पार होता है, इसलिए कि रहमत हक बहाना मिजोए, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, कौन सी ऐसी नेकी पसंद आ जाए रब को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे, कौन की एक ऐसी अदा पसंद आ जाए कि अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह की रहमत गुनाहों पर भारी पड़ जाएगी, मगर कब? उस सूरत में जब आपके दिलों में सरकार गौसे पाक की मोहब्बत होगी, जब आपके दिलों में ख्वाजा खाजगा की मोहब्बत होगी,
जब आपके दिलों में सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत होगी, जब आपके दिलों में मखदूम सिन्हा की मोहब्बत होगी, जब आपके दिलों में आला हजरत सरकार की मोहब्बत होगी, जब आपके दिलों में वारिसे पाक की मोहब्बत होगी, हजरत गिरामी चाहे इन हजरात की जब तारीखें आए तो हमें चाहिए हम चाहे जहां हो अपने घरों में नजरों नियाज करें। क्यों? इसलिए आज जो हम कुरान को पढ़ रहे हैं इन्हीं बुजुर्गों का सदका है, आज जो हम नमाज पढ़ रहे हैं इन्हीं बुजुर्गों का सदका है, आज जो हम जलसा कर रहे हैं इन्हीं बुजुर्गों का सदका है, आज जो हम एहतमाम कर रहे हैं लंगर का इन्हीं बुजुर्गों का सदका है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जो इस्लाम फैला है इन्हीं बुजुर्गों के सदके में फैला है। आज कुछ लोग ये कहते हैं इस्लाम जो है वह हिंदुस्तान में तलवार से फैला है, नेजों से फैला है, पक्षियों से फैला है। रेहानुल हसन कहना चाहता है अरे इसकी हिस्ट्री को पढ़ो तो पता चलेगा यहाँ पर इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, औलिया के किरदार से फैला है। अगर इस्लाम को देखना है तो औलिया के किरदार।